ये है शनिवार वाड़ा, बाजीराव मस्तानी महल। तो मैं यहाँ आया था, तो देखते हैं अपना अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या है अंदर। तो प्लीज़ चैनल पे आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। इस तरफ का ये सामने का नज़ारा है, गार्डन है, इधर एक मंदिर है, इधर बाजीराव का स्टैचू बना हुआ है। देखते हैं उधर क्या लिखा है, एक बार जाएंगे उधर इस तरफ। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्तार भाई राजस्थानी, आप देख रहे हैं शनिवार वाड़ा। तो हम जाएंगे इसके अंदर, अंदर से आपको दिखाएंगे कि ये कैसा अंदर से है, और बाहर से तो ऐसा अच्छा खूबसूरत सा बना हुआ है, पुरानी टाइम का राष्ट्रीय धरोहर। तो ये है बाजीराव मस्तानी महल, देखते हैं अंदर क्या है। चलो फिर चलते हैं अंदर की ओर। YouTube चैनल पर बने रहें, लाइक और कमेंट करते रहें। ये इस पे लिखा हुआ है, जो आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने है क्या क्या लिखा हुआ है। लाइन लाइन ये क्या है, ये पैरों की पगड़ी, पगड़ी का पोस्टर है। और ये तारीख़ मोहम्मदी या उर्दू भाषा दिल, आप बाद में आराम से पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। ये तारीख लिखी हुई है और जो ब्रिटिश ट्रांसपोर्टर जीज और पेशवाई शिवाजी महाराज आदि तल कुतुब शाह औरंगजेब और इतर, ये जिनका राजा था उनका नक्शा है इंडिया में। अच्छे से नक्शे वगैरह बना के बनाया हुआ डिजाइन, चलो फिर अब चलते किले के अंदर। तो यहाँ से किला ऐसा दिखता है, बहुत सारे लोग आए हैं देखने के लिए शनिवार वाड़ा, और मैं भी आया हूँ शनिवार वाड़ा देखने के लिए। तो बहुत बड़ा शनिवार वाड़ा है, चलो देखते हैं अंदर। अंदर आ जाओ यारो मेरे दोस्तों, अंदर से देखेंगे आगे की दोस्तों। मैं हिस्से का आगे का हिस्सा देखने के लायक है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुंदर सा। लोग खींच रहे हैं फोटो, कुछ बना रहे हैं वीडियो। ये है वो सामने का मेन गेट, एंट्री होती है, बाकी तो सारा भी गार्डन में बता तक 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 त
कहीं कहीं यहाँ पे फुहारे वगैरह लगाए हैं, उधर होता है प्रोग्राम शाम को, कहानी बताई जाती है, बेस्ट और सबसे अच्छा। छोटा सा रास्ता है जाने के, इतना छोटा रास्ता, ये रास्ता है चारों बाजू, वहाँ से लेके वहाँ तक बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है। कुछ महल है, कुछ चले गए, ये क्या बावड़ी है पता नहीं क्या क्या है सर, बावड़ी होगी। तो यहाँ से ऐसा दिखता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं यार, और भाई को सपोर्ट ज़रूर करें ताकि और जगह की नई जानकारी आपको दे सकूं। हो रहा सामने लाल महल, पुणे सिटी है ये, शायद अभी पुराना था, कुछ नया बनाया, कुछ दीवारें बनाई। ये ऐसी भूल भुलैया क्यों बनाई हुई है पता नहीं, इधर शायद पानी की टंकी थी, देखते हैं ऊपर से, ये सब भूल भुलैया जैसा पता नहीं। और ये वहाँ नज़र करने के लिए, लोगों पे ध्यान रखने का। ये बाजू वाली बिल्डिंग है, कॉलेजों में तब्दील हो गई। ये ऐसा रास्ता है, देख सकते हैं आप, क्या पता नहीं उबड़ खबड़ खबड़ उबड़ है। चलो आगे की ओर चलते हैं, लंबा सा रास्ता है, बहुत बढ़िया। इतना जानकार नहीं हूँ फिर भी ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप हेल्प करेंगे तो ज़रूर मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा और अपने आप को थोड़ी एनर्जी उसमें डालूँगा ताकि एनर्जी आ जाए और अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। नीचे का हिस्सा बचा है, बाकी ऊपर तो सब। जहाँ से लोग तीर भगाले और कुछ तो मारते थे, सब उसी के लिए है, और अपने किले की रक्षा करने के लिए लोग मारते हैं यहाँ से, सब हॉल उसी के लिए तो रखे हुए हैं। चारों कोनों पे चार बने हुए होते हैं और फिर यहाँ से रक्षा करने के लिए हॉल में मारते हैं। लंबा हॉल है, बहुत ही लंबा है और चारों बाजू है, कम से कम चार पाँच एकड़ में फैला हुआ है ये पूरा, वहाँ से लेके यहाँ से, मैं वहाँ से घूमता हुआ यहाँ से, फिर यहाँ से सब लोग बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, कुछ अपने फ्रेंडों के साथ, कुछ दोस्तों के साथ। तो ये रास्ता वहाँ से लंबा जाता है, पतला ऐसा छोटा रास्ता रखते हैं अंदर जाने के लिए, क्या पता नहीं क्यों ऐसा रखते थे पहले के टाइम में। अब तो लोग चाहते हैं कि और बड़ा हो और बड़ा हो, पहले छोटा रखते थे, एक आदमी चले इतना ही। सुरक्षा की लिहाज से देखा जाए तो छोटा ठीक रहता है कि एक एक आदमी आ सके तो उसको गिरा भी सकते हैं, नहीं तो 10-10 आदमी एक साथ आ जाएंगे इधर में, इसमें 2 आदमी से ज़्यादा नहीं बैठ पाते हैं रास्ता उतराने के लिए, मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। और ये बीच में क्या बनाया पता नहीं, इधर जाने के लिए एक एक इधर धुएं की चिमनी लगी हुई है, रसोई गैस था क्या, नहीं कुछ तो होगा। बीच में पुल कैसा बना हुआ है, यहाँ तो कोई गुफा भी नहीं है आने जाने के लिए,
ठोकरा मिलकर मंडी। तो ये है गाड़ियां लगी हुई है आगे की बाजू, आगे का किला, और ये उसके किले के ऊपर जाने के लिए रास्ता। तो फिर चलते हैं ऊपर, देखते हैं कैसा है ऊपर। गाड़ियां भी आती है, मैंने भी गाड़ी वहीं पार्क की है, और वहां से दिख रही है बाजीराव। ये रोड का नाम भी बाजीराव ही है। पुराना दरवाजा, बड़ी बड़ी सांकले, ये तो शायद भी बनाया है। हेलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब्बा खैर, शुभ रात्रि आप लोगों को सबको, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल, तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए। ये रास्ता है गुफा जैसा, तो कैसा है, एकदम अंधेरा हो गया। अरे बाप रे, चलो नीचे उतरते हैं। उनके पागोठी 10-15 एक एक फुट के तो पागोठी है यहाँ पे। गेट है और गार्डन, लोग घूमने आते हैं और कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ फोटो खींचते हैं अपने दोस्तों के साथ। मैं भी चला आया आप लोगों के साथ, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे, बस इसीलिए तो आता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय। न्यू वीडियो में ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, ठाई ठाई, बाय बाय।